एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्प। आज इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए ऑफ ग्रेट प्लेस का समरी देखेंगे। ये इस समरी पे बनाया गया मेरा पहला वीडियो है। मोर और लेस इस पे दो या तीन वीडियोस बनेंगे, तो सारे वीडियोस को देखने के बाद आपको ये समरी क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई पार्ट आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आपको वो डाउट्स क्लियर करने हैं। और कहाँ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आप स्टूडेंट हेल्प सर्च करके वहाँ पूछ सकते हैं, या यहाँ यूट्यूब पर कमेंट और कम्युनिटी सेक्शन का यूज़ करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले फिर वही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये एसे है, बेसिकली ये आपको एक एसे दिखेगा, ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है। बेकन, फ्रांसिस बेकन जो है ये एक बेजोड़ राइटर रहे हैं अपने टाइम के, और इन्होंने जो भी राइटिंग की है इनमें इनका एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं टर्सनेस। ये अपने एसेज़ में एक स्पेसिफिक क्वालिटी के वजह से अपने एसेज़ को काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टराइज़ कर पाते हैं और लोगों में इसके लिए इंटरेस्ट को अराउज़ कर पाते हैं। इसी एसे की अगर बात करें तो आप देखिए, इसको वो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जो भी लोग हैं ऑफ ग्रेट प्लेस में, जितने भी लोग काम करते हैं वो सब के सब किसी ना किसी के सर्वेंट हैं। अब अगर आपको ये बात कहा जाए कि आप कहीं किसी इन्फ्लुएंशियल जगह पे काम करते हैं और आप किसी के नौकर हैं, तो आपको सुन के लगे अरे ये क्या बोल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप में एक इंटरेस्ट जगेगा कि चलो जो भी आगे की बात है उसको सुना जाए, कम से कम 5 मिनट के लिए ही सही कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो इस क्वालिटी से बेकन अपने एसेज में इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं। तो ये तो हुई टर्सनेस की बात। अब चलते हैं समरी की ओर। बेकन अपना एसे स्टार्ट करते हैं और ऐसे स्टार्ट करते हैं दैट ही आर्ग्यूज दैट द मैन ऑफ ग्रेट प्लेस, किसी भी अथॉरिटेटिव प्लेस का की बात करें तो वो सर्वेंट हैं, और सिर्फ किसी एक चीज़ के वो लोग सर्वेंट नहीं है बल्कि तीन चीज़ों के वो सर्वेंट हैं। अब किन तीन चीज़ों के सर्वेंट हैं? तो पहला सर्वेंट वो हैं स्टेट के। स्टेट मतलब जिस भी कंट्री या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। सेकेंडली वो फेम या फिर पॉपुलैरिटी के सर्वेंट हैं। एंड थर्डली जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं उस बिज़नेस के तो वो खैर सर्वेंट हैं ही, जो भी उनका मालिक है, जो भी उनका बॉस है, जो भी उन्हें ऑर्डर्स देगा, जो भी उन्हें कमांड्स देगा, जो भी टारगेट्स देगा उन्हें पूरा करना है। तो इन दिस वे दे बिकम सर्वेंट्स ऑफ थ्री थिंग्स, जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया, सर्वेंट ऑफ स्टेट, सर्वेंट ऑफ फेम एंड सर्वेंट ऑफ बिजनेस। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, हैंस दीज पीपल हैव नो फ्रीडम, नो इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ देयर ओन। इसका मतलब यह है कि ये लोग इतने लोगों के आगे झुकते हैं और इतने सारी चीज़ों के सर्वेंट हैं कि इन लोगों के पास खुद का कोई फ्रीडम नहीं है। ये लोग खुद को असर्ट नहीं कर सकते और इनका कोई निजी समय के लिए कोई इनके पास में प्रावधान नहीं है कि ये लोग खुद पे टाइम कब स्पेंड करेंगे। इनके पास कोई लिबर्टी नहीं होती है कुछ भी करने के लिए जो कि वो खुद के लिए करना चाहें। ये फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते। इन्हें इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि हाँ, मैं इस पोजीशन से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, पब्लिकली मुझे वेल ड्रेस्ड होके जाना है, मैं सिर्फ पजामाज में नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अगेन आपको एक सर्वेंट होने का ही अनुभव दिलाती हैं कि आप वो नहीं कर सकते हैं जो आपको करने का इच्छा है, बल्कि उस हिसाब से आपको काम करना पड़ रहा है जो कि आपका पोजीशन, आपका प्रोफेशन आपसे करवा रहा है। ये लोगों के पास में, जो भी लोग इस तरह के ग्रेट प्लेसेस में काम करते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन देयर ओन चॉइस या विद देयर ओन चॉइस। ये लोग खुद के चॉइस के हिसाब से किसी भी जगह पे जा नहीं सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना वक्त होता नहीं है। तीन चीज़ों के सर्वेंट होने की वजह से इनको उतना काम भी करना है। तो अगेन यहाँ पे भी इनकी लिबर्टी पे एक और चोट है। बेकन सेज दैट इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर ऑफ अ मैन टू अटेन सम पावर बाय लूजिंग हिज लिबर्टी। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आई कि अच्छा ठीक है, चलो हर आदमी किसी ना किसी का सर्वेंट है, कहीं भी काम कर रहा है तो वो सर्वेंट ही बन के रह रहा है। तो इंसान अपनी लिबर्टी को छोड़कर सर्वेंट बनना स्वीकार क्यों कर रहा है? वो ऐसा चाह क्यों रहा है कि ठीक है चलो हम सर्वेंट बन के भी रह लेंगे? तो बेकन इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी आदमी इस चीज़ को इसलिए करता है क्योंकि वो पावर अचीव करना चाहता है। अब अगर वो एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होगा तो वो जो चाहेगा वो कर सकेगा, एंड इन दिस वे उसके पास में अपनी पावर होगी, पोजीशन होगा, और इसके लिए उसे क्या दांव पे लगाना पड़ रहा है, क्या खोना पड़ रहा है? तो अपना लिबर्टी। बेकन आर्ग्यूज दैट मैन इन ऑर्डर टू अटेन पावर ओवर अनदर मैन लूजेस पावर ओवर हिमसेल्फ, ही इज़ द पपेट इन द हैंड्स ऑफ अथॉरिटी। मतलब कोई भी इंसान अगर
पावर अचीव करना चाहता है तो उसको किसी ना किसी के आगे, किसी बड़े के आगे झुकना होगा। से फॉर एग्जांपल सर्वेंट ऑफ द स्टेट हो जाए वो, या किसी बिजनेस का सर्वेंट हो जाए। इस तरह से वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों पे तो बॉस ओवर कर सकता है कि ठीक है तुम लोग मेरे नीचे काम करते हो, लेकिन वो खुद भी किसी ना किसी का सर्वेंट बन गया। इन दिस वे किसी और के ऊपर में हुक्म चलाने के लिए टू हैव पावर ओवर एनी अनदर मैन, वो खुद किसी अन्य आदमी के सामने अपना पावर खो रहा है। और क्या बन रहा है, तो वो आगे चल के मोहरा बन जा रहा है, पपेट बन जा रहा है अथॉरिटी का। तो पहले पैराग्राफ में आपको इतनी चीज़ें समझ में आई, चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। बेकन एक रियलिस्टिक और एक्सेप्शनल विजन के साथ चीज़ों को देखना और उसी के हिसाब से उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और इसी के तहत वो इस चीज़ को लेके आर्ग्यू करते हैं कि किसी भी पोजीशन को, जो भी हाई पोजीशंस हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में ले लो, आप बिजनेस में ले लो, आप कहीं भी जाना चाहो किसी भी हाई पोजीशन में, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपना मोरल ना गिरा दो, आप करप्शन में ना संलिप्त हो जाओ, और किसी भी तरह के बुरे काम का यूज़ जब तक कि आप नहीं करेंगे तो आप बड़े पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। तो ही सेज़ दैट अ मैन हु वांट्स टू रीच अ ग्रेट प्लेस हैज़ टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट मॉरली राइट। इट इज़ थ्रू इंडिग्निटीज़ दैट अ मैन कम्स टू डिग्निटीज़। मतलब किसी भी डिग्निफाइंग पोजिशन पर पहुँचने के लिए उसको ऐसे बुरे काम करने ही होंगे, चाहे वो घूस ले, चाहे वो किसी के लिए किसी गलत काम को अंजाम तक पहुँचाए। तो इन दिस वे ही गेन्स पावर। वन हैज़ टू करप्ट हिमसेल्फ, उसको घूस लेना होगा, एंड कॉम्प्रोमाइज़ ओवर सर्टेन थिंग्स, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ से उसको समझौता करना होगा जो कि ऑन दी होल कोई भी इंसान नहीं करना चाहेगा। तो इन चीज़ों को करने के बाद ही कोई आदमी पावर में आ सकता है। और अगेन, ये जो पोजीशन है ये परमानेंट नहीं है, इसके लिए वो जो भी चीज़ों को दांव पे लगा रहा है, हो सकता है कल उसका ये पोजीशन ना रहे और वो इस चीज़ को रिग्रेट करे। और इसके वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि परमानेंट उसका पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है कल को उसका डाउनफॉल भी हो, एंड अगेन उसको वही चीज़ें फिर से करनी होंगी जो कि वो करके ऊपर पहुंचा, अगर फिर भी उसका पावर का लस्ट नहीं ख़त्म होता है। तो इसको वो अपने वर्ड्स में कहते हैं कि जब भी कोई मैन रियलाइज़ करता है दैट ही इज़ नो मोर द मैन ही यूज़ टू बी, हिज मोटिवेशन टू लिव डिप्रेसिंग एंड हिज ब्रॉल टू परसिस्ट इंश्योर्स, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को जो कि फिर से पाना चाहता है, अगर मान लो कोई पावरफुल मैन एक बिजनेसमैन बन जाता है तो वो वहाँ पे हमेशा थोड़ी ना रहेगा। अगर किसी दिन उसका बिजनेस फ्लॉप होता है तो ही विल बिकम अ पॉपर अगेन, वो फिर से एक नॉर्मल पर्सन बन जाएगा। एंड इन दैट केस उसके जो भी एम्बिशंस थे वो उनको पूरा करता है दोबारा से कैसे, इस पर डिपेंड करेगा यही चीज़ कि जो भी उसने पहले किया था वही उसको फिर से करना होगा। अगेन ही विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ हिज मॉरल, उसको फिर से करप्शन में संलिप्त होना होगा, एंड वॉट एवर जो भी पहले उसने किया था वो सब करना होगा। तो इन दिस वे ये एक चेन बन जा रहा है जिसमें कि वो रेगुलरली पहले तो सर्वेंट बन रहा है, फिर एक पोजीशन को गेन कर रहा है, एंड देन उसका डाउनफॉल हो रहा है। थर्ड पैराग्राफ में बेकन कहते हैं कि मोर ओवर बेकन कमेंट्स ऑन द मैंस नेचर दैट नो मैटर हाउ अ ग्रेट मैन बिकम्स ही सीक्स अदर्स ओपिनियन टू बिकम हैप्पी। अब ये तो हम लोगों की ज़िंदगी से भी पता चलता है कि अगर मान लो हम लोग के पास कोई भी अच्छी चीज़ है, हम लोग दूसरे से ये सुनना बड़ा पसंद करते हैं, अरे भाई तुमने ये ख़रीदा बहुत अच्छा लगता है, काश मेरे पास भी होता। अगर ये चीज़ सुन लें तो बहुत अच्छी बात, और अगर कोई ये कह दे कि अरे तेरे पास भी है ये तो मैंने 10 साल पहले यूज़ किया था, तो हम लोग कहेंगे अरे यार क्या 10 साल पुरानी चीज़ खरीद ली। तो इस तरह से चाहे हमको वो चीज़ कैसा भी सेटिस्फैक्शन दे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अन्य लोग उसको लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दिस इज़ समथिंग जो कि हम लोगों को हैप्पी बनाता है। जो भी लोग हैं वो खुद को जज नहीं करते हैं कि अच्छा मेरे लिए ये काम का है, चाहिए 10 साल पुराना ही क्यों ना हो तो मेरे लिए तो ठीक है। वो क्या करेंगे कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट जगह देंगे, और इसके वजह से क्या होता है, उनका खुद का जो लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट एसेट्स उनके पास हैं वो उनको एक बुरी नज़र से देखेंगे, उनको कहेंगे कि यार छोटी चीज़ें हैं इनके पीछे क्या भागना। फोर्थ पैराग्राफ में बेकन कहते हैं कि बेकन राइट्स दैट ग्रेट पीपल आर नेवर विलिंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन दमसेल्व। मतलब आपने ये चीज़ तो खैर सबके साथ हुआ ही होगा, सबने देखा होगा इस चीज़ को कि कई सारे लोग होते हैं, कई सारे टीचर्स भी इस तरह के होते हैं कि वो गलत चीज़ आपको बता देंगे और आप उनके सामने बुक भी लेकर चले जाओ तो वो कहेंगे नहीं ये मेरी गलती नहीं है, इसमें हो सकता है राइटर ने गलत लिख दिया है। तो इस तरह के लोग हमेशा ग्रेट पीपल होते हैं कि ग्रेट पीपल कभी भी खुद के फॉल्ट्स नहीं खोजते हैं, वो दूसरों में ही फॉल्ट्स ढूंढेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु हैज़ मनी टू सी हिज फॉल्ट्स,
कोई भी अमीर आदमी आपको अपना फॉल्ट मानते हुए नहीं दिखेगा। आप न्यूज़ में भी देखते रहो, आपको दिखेगा कि कई सारे लोग, कई सारे अमीर लोग, चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे किसी भी बड़े से बड़े कांड में क्यों ना फंस जाएं, वो ये कभी नहीं मानेंगे कि अच्छा मेरी गलती थी। वो यही कहेंगे कि हाँ सरकमस्टांसेस की गलती थी, किसी ने कह दिया, झांसे में आ गए, ये वो। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड इवन टुडे। लेकिन फिर ये बात भी आती है कि हाउएवर व्हेन इट कम्स टू ग्रीविंग दे ऑलवेज ट्राई टू क्योर इट विथ मनी एज सून एज पॉसिबल। मतलब कि मान लो कोई प्रॉब्लम हो ही गई, तो अब उसको उनको ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे, वो उल्टा क्या करेंगे, पैसे से दूसरे का मुंह बंद कर देंगे। तो अगेन ये भी आज के डेट में काफ़ी प्रेवलेंट है, आपको दिख ही रहा है सोसाइटी में तो चलता ही है। दे डोंट हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट देमसेल्स, नॉट डू दे हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। अब ये चीज़ भी आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, रिच पीपल हैं, इन लोगों के पास सिर्फ अपने बिजनेस को चलाने का टाइम होता है, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर हेल्थ। और वो लोग तब तक अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है अपने हेल्थ को लेकर, जब तक कि उनकी बॉडी डिटोरिएट ना कर जाए, हेल्थ कंडीशंस इतने बुरे ना हो जाएं कि वो लोगों का नॉर्मल काम भी होना मुश्किल हो जाए। ये जो कि अमीर लोग हैं, दे ओनली केयर अबाउट मनी एंड पावर अंटिल दे हैव लॉस्ट देयर हेल्थ एंड रियलाइज दैट दे टू आर ह्यूमंस। जैसा मैंने बताया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, और तब तक भागते रहते हैं जब तक कि इनका हेल्थ इनको एकदम ऐसे पोजीशन में ना ला दें जहाँ से कि ये कोई काम नहीं कर सके। दैट इज़ वेन दे रियलाइज कि हाँ हम तो खुद भी इंसान हैं, तो हमें भी तो अपने हेल्थ का केयर रखना चाहिए था। तो खैर जब तक ये चीज़ वो लोग समझते हैं तो देर हो चुकी होती है। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। देखो ये ऐसे कोई 1880s में लिखा गया है, तब प्रकाशित हुआ है, और आप सोच सकते हो कि उस वक्त के बाद आज के डेट में तकरीबन 200 साल के आसपास बीत चुके हैं, और फिर भी चीज़ें इतनी रेलेवेंट लगती हैं कि हमें लगता है हमारे ही सोसाइटी से उठा के कोई चीज़ बताई जा रही है। तो अगेन ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी था फ्रांसिस बेकन का कि वो फोर्सी कर सकते थे चीज़ों को। तो इसके आगे का समरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, और इसमें अगर आपको कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आया या कोई एग्जांपल है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो डू आस्क फॉर इट, और बिना किसी हेजिटेशन के पूछना है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।